जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत किसी भी प्रकार की दुर्घटना के दृष्टिगत राहत बचाव कार्यों के लिए फास्ट रिस्पॉन्डर के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में किया गया। फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम में वाहन चालक, वाहन स्वामी, वाहन संघ के अध्यक्षों और छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि दुर्घटना के समय पुलिस, वाहन चालक या अन्य व्यक्ति के द्वारा दायित्व कार्रवाई की जाती है, उसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि किसी घायल की मदद करना जीवन का एक सबसे बड़ा कार्य है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। का उद्देश्य यह है कि MRTH का बहुत पहले से फैसला था भारत सरकार के राजमार्ग मंत्रालय का, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर का कॉन्सेप्ट अभी तक लोगों को उतनी जागरूक नहीं किया था। कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी दुर्घटना जिसके सामने घट रही है, देख रहा हो, वो कैसे रिस्पॉन्स करे। सर, इसमें ये बताया कि फर्स्ट रिस्पॉन्ड तो मतलब जो भी हमें डॉक्टर के आने से पहले जो भी हम किसी घायल व्यक्ति को देखे उसकी हेल्प करनी चाहिए हमें, और मतलब ये बताना वो मतलब उसकी हेल्प करनी चाहिए, और फर्स्ट एड बोले तो कि मतलब करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। जैसे लोगों ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कार्यक्रम था, इसमें हम लोगों को हमारे जो टीमें थी उन्होंने प्रतिभाग किया है। इसमें हम लोगों ने इनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया है जो कि हम लोग जो हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण वहां पर ना होते हुए हम लोगों ने इनको इम्प्रोवाइज मेथड भी सिखाया है कि कैसे मतलब कि हम स्ट्रेचर बनाएं, कैसे हम अगर कोई नदी में डूब गया है उसको कैसे बचाएं। तो उसके लिए हमने बोटल राफ्ट और बम्बू राफ्ट और इस प्रकार के उपकरणों की जानकारी भी दी है।